हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज मैं लेके आया हूं लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम वन लैपटॉप, जो राइजन 3 7000 सीरीज के साथ लिनोवो ने लॉन्च किया है। आज हम उसके रिव्यूज देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम उस लैपटॉप का भी ऑपरेशन करके आपको दिखाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हमारी नई वीडियोस का। और हम पूरी कोशिश करेंगे जितने भी लैपटॉप्स हम रिव्यूज करें लैपटॉप्स का, उनको फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखाएं उसमें क्या क्या अपग्रेड हो सकता है, वो सब हम आपसे डिस्कस करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का लैपटॉप लिनोवो आइडिया पैड स्लिम वन। तो दोस्तों ये है हमारा लिनोवो आइडिया पैड स्लिम वन लैपटॉप, जो लेटेस्ट प्रोसेसर राइजन 3 7000 सीरीज के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है। 8GB रैम है, 512GB SSD है और विंडो 11 के साथ ये लैपटॉप आपको मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी डिटेल्ड कॉन्फिगरेशन। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिनोवो ने इसमें क्या क्या पोर्ट्स दिए हुए हैं। आप देखेंगे इसके पोर्ट्स, सबसे पहला पोर्ट्स है आपका चार्जिंग का, जिससे आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद 3.0 USB है डाटा ट्रांसफर के लिए, आप इस वाले पोर्ट्स को डाटा ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों है सर। उसके साथ दे रखा है HDMI आपके डिस्प्ले के लिए, फिर टाइप सी है, आप लैपटॉप इससे चार्ज नहीं कर सकते लेकिन डाटा ट्रांसफर आप इससे कर सकते हैं। साथ में दे रखा है 3.5 mm ऑडियो जैक, जिसपे आप स्पीकर लगा सकते हैं और हेडफोन लगा सकते हैं। बात करते हैं दूसरी तरफ आपको दो ही पोर्ट्स दे रखे हैं, एक USB 2.0 और एक SD कार्ड स्लॉट। मैं आपको बता रहा था कि इसमें दो USB दे रखे हैं। अगर हम बात करेंगे लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड पे 2.0 USB है और राइट हैंड साइड पे 3.0। तो अगर आपने माउस लगाना हो, कीबोर्ड लगाना हो, कोई इनपुट डिवाइस लगानी हो तो आप 2.0 पे लगाइएगा, और अगर आपने डाटा ट्रांसफर करना है तो आप जो लैपटॉप के राइट साइड में है यानी आपके लेफ्ट साइड में होगा वो 3.0 पे ही लगाएगा, उससे डाटा आपका फास्ट ट्रांसफर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की डिटेल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आता है CPU, ये आता है AMD राइजन 3 7320U प्रोसेसर के साथ, जो AMD ने लेटेस्ट प्रोसेसर लॉन्च किया है। इससे पहले 5000 सीरीज आ रहा था, 6000 सीरीज AMD ने लॉन्च नहीं किया, इस यू प्रोसेसर में सीधा 7000 सीरीज लॉन्च किया है। ये आता है बेस स्पीड इसकी 2.4 GHz, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ये बूस्ट अप होके 4.1 GHz तक जाता है। कोर आते हैं 4 और लॉजिकल प्रोसेसर है 8, यानी फिजिकल कोर आपको मिलते हैं 4। अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है आप इस लैपटॉप इजिली कर सकते हैं, 4 कोर बहुत होते हैं मल्टीटास्किंग के लिए। L3 कैश की बात करेंगे तो 4 MB की L3 कैश आपको इसमें मिलती है। मेमोरी देखते हैं, 8GB की मेमोरी है जो स्पीड 5500 MHz है। देखिए जो पहले लैपटॉप आ रहे थे वो 32 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे थे, ये लैपटॉप लिनोवो ने 5500 MHz के साथ लॉन्च किया है, जो एक बहुत ज्यादा है अभी तक जितने भी आ रहे थे, क्योंकि राइजन 3 7000 सीरीज 5500 MHz फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है। स्लॉट आप देखेंगे दो स्लॉट्स हैं, 8GB रैम है यानी 4 4GB की दो इसमें रैम लगी हुई है। बात करते हैं SSD की, 512GB आपको SSD मिलती है इसमें माइक्रोन की, 477GB आपको कैपेसिटी मिलती है यूज करने के लिए। बात करेंगे वाईफाई है इसमें 6, यानी अगर आपका राउटर 5G है आपको स्पीड की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राफिक्स, ये AMD का बड़ा मेन पॉइंट होता है, क्योंकि AMD अपने हर लैपटॉप के साथ ग्राफिक देता है, मिनिमम 512 MB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स तो देता ही है, और इसमें AMD ने 2 GB का ग्राफिक कार्ड दे रखा है डेडिकेटेड, आप देख रहे होंगे, और शेयर्ड भी है 2.9 GB, तो आपको मिलता है ये 4.9 GB का ग्राफिक्स, 2 GB डेडिकेटेड, मतलब अगर आपको गेम खेलना है या ग्राफिक्स का काम करना है वो आप इस लैपटॉप में इजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, 15.6 इंची फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है, नैरो बेजल आपको मिलते हैं इसमें, दो साइड आप देखेंगे नैरो बेजल, एक साइड कैमरा इसमें लगा हुआ है। और अगर हम कैमरा देखें 720p का आपका इसमें कैमरा आता है माइक के साथ। इसमें लिनोवो में जो सबसे पसंदीदा बात मुझे लगती है
ये अपने हर लैपटॉप में आपको कैमरे का शटर देते हैं। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से कैमरे को लॉक अनलॉक कर सकते हैं कि अगर आपका लैपटॉप किसी ने हैक भी कर लिया है फिर भी वो आपकी बिना मर्जी से आपका कैमरा ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिकली ही कैमरा बंद हो जाएगा, उसके आगे शटर आ जाएगा। कैमरा शटर बंद होते ही अगर वो ऑन भी कर लेता है सॉफ्टवेयर के थ्रू भी, तो भी उसे ब्लैक दिखाई देगा, आप नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्तों, समय आ गया है लैपटॉप का ऑपरेशन करने का। नया लैपटॉप है, हम इसको फिजिकली ओपन करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर कहां कहां कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, ब्रांड न्यू लैपटॉप है, बहुत ही क्लीन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके पार्ट्स। देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ प्रोसेसर है जो हीट सिंक के थ्रू फैन से कनेक्टेड है। फैन इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर नहीं लगा हुआ होता, ये मदरबोर्ड लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा। अगर यहाँ पे बोर्ड लगेगा तो लैपटॉप की थिकनेस और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए फैन साइड में लगा होता है जहाँ मदरबोर्ड नहीं लगा हुआ। ये आपकी लगी हुई है SSD NVMe। SSD को आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इसको रिमूव करना पड़ेगा। 512 GB की SSD है, ये रिमूव करके ही आप इसको दूसरी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑन बोर्ड 8 GB की रैम लगी हुई है, 4 GB की दो चिप है जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे वाईफाई है, वाईफाई 6 जो हमने आपको दिखाया था। ये आपकी देखिए जो सबसे बड़ी है वो बैटरी लगी हुई है, 3 सेल की बैटरी है। अगर मैं बैकअप की बात करूंगा तो नॉर्मली 6 से 7 घंटे आपको बैकअप इसमें मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट यही है कि आप इस लैपटॉप में एक्सेप्ट SSD कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी सेल्स पर्सन कहे कि आप इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं, वो इस लैपटॉप में नहीं होगा, सिर्फ SSD ही आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा Ryzen 3 का रिव्यू, आपने इसके फीचर्स भी देख लिए। मैं आपको बता दूं, वैसे मैं आपको एक बार फिर बता चुका हूं, मैं एक बार फिर बता दूं कि आप इस लैपटॉप में कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते सिर्फ एक SSD के अलावा। बात करेंगे हम अगर इसकी प्राइसिंग की, तो ये मार्केट में आपको 45,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा प्राइस बैंड है विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ। अगर आप बात करेंगे लेनोवो की वारंटी की, तो लेनोवो इस लैपटॉप के साथ 2 साल की आपको वारंटी देता है। आप इसके साथ एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, वो जब आप लेने जाएंगे लेनोवो के एक्सक्लूसिव स्टोर पे, आप वहां पे सेल्स पर्सन होगा उससे कंफर्म कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, टाइम टू टाइम लेनोवो ऑफर निकालता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, थोड़े बहुत पैसे देके आप इसकी वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। देखिए, ये 15.6 इंच का लैपटॉप है, तो इसीलिए ये लैपटॉप आप अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। आप इंटरनेट ब्राउजिंग, वाईफाई 6 दे रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसके लिए भी आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आपने हल्की फुल्की गेमिंग्स और ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी चाहते हैं आप, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक लगा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि बहुत हैवी ग्राफिक्स का काम, वीडियो एडिटिंग का और बहुत ज्यादा हैवी गेम्स और बहुत हैवी ग्राफिक्स का काम इसमें आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये लैपटॉप आपको 2 GB ग्राफिक्स के साथ मिलता है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो हम लेके आएंगे लेनोवो के ही IdeaPad Slim 3 में i3 12 जनरेशन के साथ, और हम फिर कोशिश करेंगे आपको दोनों का कंपैरिजन भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।